मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप भगवान विष्णु का दूध से अभिषेक करिएगा, कच्चे दूध से अभिषेक कीजिएगा। संध्या समय में तुलसी के पौधे के समक्ष गौ माता के दूध से बने हुए घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके जीवन में, आपके घर में छाई दरिद्रता दूर होगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज तांबे के कलश में जल, गंगा जल, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, उस कलश में जल भर दीजिएगा, गंगा जल डाल दीजिएगा, पिसी हुई हल्दी मिला दीजिएगा और उसमें एक रुपये का सिक्का डालकर आंवले के वृक्ष में उस जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके विवाह में, आपके दाम्पत्य जीवन के आ रही जितनी भी कड़वाहटें हैं, रुकावटें हैं, स्वतः ही दूर होंगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सफला एकादशी के दिन अपने घर के सुख शांति के लिए और परिवारजनों की तरक्की उन्नति के लिए आज सफला एकादशी के दिन गौ माता की सेवा आपको अवश्य करनी है। गौ रज का आज टीका लगाना है। रात के समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि मंत्रों का जाप करते हुए भजन कीर्तन करना है। निश्चित तौर पर आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सफला एकादशी के दिन 5 सुहागिन महिलाओं को फलाहार कराइएगा या बगैर नमक का या मीठा भोजन आज करवाइएगा। ध्यान रखिएगा चावल नहीं हो उसके अंदर। निश्चित तौर पर यदि आज आप 5 सुहागिन महिलाओं को फलाहार कराते, मीठा भोजन कराते हैं, आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ के अंदर संपूर्ण प्रकार के सुखों की आपको प्राप्ति होगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, किसी भी काम में अपनी सफलता को निश्चित करने के लिए आज सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चन करनी चाहिए और पूजा करते समय 2 हल्दी की गांठें पूजा स्थल पर रख लें। अगले दिन उन हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने दाएं हाथ की भुजा में बांध लीजिए। एक हल्दी को दाएं हाथ की भुजा में बांध लीजिए, एक हल्दी अपने कैश काउंटर के अंदर, तिजोरी के अंदर, ऑफिस की दराज के अंदर रख लीजिए। निश्चित तौर पर हर प्रकार के सुखों की आपको प्राप्त होगी, हर प्रकार के दुखों का अंत होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, भगवान विष्णु की पूजा के समय आज सफला एकादशी के दिन चंदन घिसकर एक कटोरी के अंदर रख दीजिएगा। जब पूजा समाप्त हो जाए तब दोनों हाथों से भगवान को पुष्पांजलि करने के पश्चात में उस कटोरी में से थोड़ा सा चंदन लेकर अपने और अपने परिवार के सदस्यों के मस्तक पर उसका तिलक लगा लीजिएगा, थोड़ा सा हृदय पर लगा लीजिएगा, थोड़ा अपने कंठ पर लगा लीजिएगा, थोड़े दोनों बाजुओं पे लगा लीजिएगा। निश्चित तौर पर आपकी काया कोरोना नामक वायरस से, सभी प्रकार के गंभीर बीमारियों से मुक्त रहेगी। राशि की। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजन अर्चन आपको करनी है। पूजन करते समय कुछ पैसे भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष, तस्वीर के समक्ष रख दीजिए। पूजन करने के पश्चात वो पैसे फिर से अपने पर्स के अंदर रख लीजिए, तिजोरी के अंदर रख लीजिए। निश्चित तौर पर आपके तिजोरी के अंदर, आपके पर्स में कभी भी धन की कमी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सफला एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख, शंख का एक प्रकार होता है जो दक्षिण दिशा में खुलता है, उसको दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री नारायण का जलाभिषेक कीजिएगा, तुलसी दल उनके ऊपर अर्पण कीजिएगा, शंख में कुछ जल बचाकर रख लीजिएगा, उसे प्रसाद के रूप में 24 घंटे बाद में उसको ग्रहण कर लीजिएगा। आपके परिवार की सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, काया निरोगी बनी रहेगी। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सफला एकादशी के दिन पीपल की जड़ में एक कलश के अंदर जल भर लीजिएगा, उस जल से पीपल की जड़ को सींचिएगा, अभिषेक कीजिएगा। बड़े बुजुर्गों का आज आशीर्वाद लीजिएगा, विष्णु मंदिर में जाइएगा, कमल का पुष्प भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पण कीजिएगा। निश्चित प्रकार की, सभी प्रकार के शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सुखों की आपको प्राप्ति होगी। राशि की। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सफला एकादशी के दिन आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं और खुशियां आपके घर पर दस्तक दें, इसके लिए आज सफला एकादशी के दिन पीपल के 3 पत्ते ले लीजिएगा, कटे फटे नहीं हो। पीपल के 3 पत्ते लेकर उन पर लाल रोली से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय लिखकर भगवान नारायण के मंदिर के अंदर, भगवान श्री हरि के चरणों के अंदर उसको अर्पण कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, दुखों का अंत होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज गौ माता को गेहूं के आटे से बनी रोटी पर गुड़ रखकर गौ माता को खिलाइएगा, आपके काम की शुरुआत अच्छी होगी, साथ ही तरक्की भी सुनिश्चित होगी। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। आज भगवान श्री हरि का
केसर मिश्रित दूध से अभिषेक कीजिएगा, केसर मिश्रित दूध का भोग लगाइएगा, तुलसी दल अर्पण कीजिएगा, शाम के समय घी का दीपक जरूर अर्पण कीजिएगा। ये सभी राशि वालों को करना है।